हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको आगे भी मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आप लोग थंबनेल और टाइटल पर देख कर समझ गए होंगे कि आज मेरा जो टॉपिक है वो इस वीडियो के ऊपर है। देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नो सिग्नल प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नो सिग्नल प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप लोग बहुत ही आसानी से दोस्तों नो सिग्नल जो प्रॉब्लम आ रहा है टीवी में, LED टीवी दोस्तों आपको दिख रहा है, इसमें दोस्तों स्मार्ट हो या नॉन स्मार्ट दोनों के लिए मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना है, और चैनल पर नए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब क्यों करना है, जब भी हम अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और वहां से आप लोग जाकर देख पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों जो कि नो सिग्नल प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसको कैसे सॉल्व करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टीवी में दोस्तों यहाँ पे नो सिग्नल प्रॉब्लम दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इधर उधर घूम रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो, जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप लोग HDMI केबल लगाए हो या AV केबल या 3RC केबल, इसको 3RC केबल बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे मदरबोर्ड जो होता है ये MPG2 रिसीवर का मदरबोर्ड है। जिन भाई को MPG2 मदरबोर्ड में खुद का लोगो लगवाना है हमसे संपर्क करें, हम खुद का लोगो आपको लगाकर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से संपर्क कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये मदरबोर्ड दोस्तों इसमें आपको 4 कलर शो होता है, ये पीला, रेड और व्हाइट। ये दोस्तों येलो, रेड और व्हाइट, और एक ब्लैक। तो ब्लैक तो आजकल नहीं चल रहा है, ये ब्लैक जो होता था RF के लिए होता था, जो कि पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था उसके लिए होता था। तो आजकल तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये दोस्तों बंद हो गया, इसको यूज नहीं होता, यही तीनों का यूज होता है। अब देखिए ये तीन जो दिया है, ये ऑडियो, ये दोस्तों पीला जो है ये वीडियो के लिए, और ये दोनों ऑडियो के लिए होता है RL दोस्तों, लेफ्ट राइट, ये वाला पीला और सॉरी दोस्तों रेड और व्हाइट, ये दोस्तों ऑडियो के लिए होता है और ये पीला होता है वीडियो के लिए। तो देखिए जब भी आप कोड लगाएंगे तो टीवी के पीछे लिखा हुआ रहता है AV1 की AV2, तो AV1 दोस्तों इसके लिए होता है जो कि AV1 या AV2। तो AV1 में लगाएंगे उसको तो आपको रिमोट से, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सोर्स बटन, किसी में सोर्स बटन लिखा हुआ रहता है, किसी में इनपुट बटन लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हमारे में सोर्स बटन लिखा हुआ है, तो इसको दबाएंगे तो देखिए AV1 या AV2 लिखा हुआ है ना, AV1 या AV2। तो दोस्तों हमने जो लगाया है वो HDMI केबल लगाया है, जो कि कंप्यूटर के लिए हमने HDMI केबल लगा कर रखे हुए हैं। तो दोस्तों आप इसको चलाते हैं, मतलब सेटअप बॉक्स को चलाते हैं, तो इसको देखिए कैसे लगाना है। ये पीला में लगाना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों मैंने लगा दिया है, देख सकते हो यहाँ पे पीला में और रेड में और व्हाइट में, और ये ब्लैक छोड़ दिया है क्योंकि RF के लिए था, तो इसको मैंने छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, और ये कोड आपने अपने टीवी में लगाना है 3RC केबल। तो टीवी में लगाओगे तो AV1 में लगाना है कि AV2, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, पीछे देखोगे तो यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा AV1 की AV2। तो AV2 में लगाओगे तो आपको रिमोट से सोर्स बटन को दबाकर AV2 पे कर देना है। तो AV2 में करोगे तो ये अगर जो कोड सही रहेगा तो आपको पिक्चर दिखाई देने लग जाएगा और आवाज़ भी आएगा। या मान लो कि AV2 में
इसको लगा दिए और ए बी वन में लगाओगे तो आपको रिमोट से ए बी वन में करके ओके कर देना है तो ए बी वन में चलने लग जाएगा। या एच डी एम आई केबल लगाए हो तो एच डी एम आई केबल में भी दो टर्मिनेट होता है, जैसे ए बी वन ए बी टू, इसमें भी दो है तो ए बी वन या ए बी टू दोस्तों लिखा हुआ है, वैसे ही एच डी एम आई में भी होता है एच डी एम आई वन या एच डी एम आई टू। तो एच डी एम आई वन में लगाओगे तो एच डी एम आई वन में लगा सकते हो। तो दोस्तों मैंने कंप्यूटर को जो दिखा देता हूँ पीछे की तरफ, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट दिख रहा होगा शायद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना वी टू और वी वन, यहाँ पे लिखा हुआ है वी वन और यहाँ पे वी टू, यानी ये देखिए छः पॉइंट है, छः पॉइंट है ना, तीन इधर है और तीन नीचे, तो वी वन में आप लगा सकते हो। और एच डी एम आई केवल मैंने नीचे लगाया है, देखो यहाँ पे एच डी एम आई टू और एच डी एम आई वन लिखा हुआ है इसके नीचे, जो कि प्लग मैंने लगा रखा इसके नीचे, तो सेम टू सेम वैसे ही करना है। आप वन में लगाए हो तो वन में कर दो, या टू में लगाए हो तो टू में कर दो, या एच डी एम आई केवल लगाए हो तो एच डी एम आई वन में करो या टू में करो, जो जिसमें लगाए हो उसी में करना है, तभी आपका जो पिक्चर है वो आएगा, नहीं तो यहाँ पे वही दिखेगा नो सिग्नल प्रॉब्लम। दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने वन में लगाए हैं तो वन में लिख रहा है, अब इसको कंप्यूटर को चालू करेंगे तो देखो यहाँ पे नो सिग्नल हट जाएगा, देखते रहो नो सिग्नल हट जाएगा। एच डी एम आई वन में लगाए हैं, देखो यहाँ पे डेल का ऑप्शन आ रहा है तो मेरा कंप्यूटर चालू हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो एच डी एम आई वन में लगाए हुए हैं। और इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे, दोस्तों जिन भाई को एम पी जी टू रिसीवर में लोगो लगवाना है वो संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।